हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का जो है कि वीडियो समझने के ऊपर है दोस्तों, जो कि आज आप समझेंगे तो अपने माइंड को जो है कि ठीक करने के लिए आप कुछ ना कुछ जो है कि व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ इलाज करेंगे। तो आज जो है समझिएगा, अगर जो है कि बॉडी में आपको पेट दर्द होती है, ठीक, अगर आपको पेट दर्द हो लेकिन जो है कि आपको पता ही ना चले कि मैं हमको पेट दर्द कर रहा है, तो समझिए कि आगे चल के कितना भयंकर रोग पकड़ सकता है। तो आपको पेट दर्द होता है, जाके दवाई लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो आपका जैसे कि मान लेते हैं पैर कटता है, ठीक, कहीं पैर कट गया, तो पैर कट गया तो आपको क्या जो है कि आपको जो है कि तुरंत दर्द होता है और जो जाके आप दवाई लेते हैं या जो उसका इलाज करवाते हैं। तो उसी तरह से जो है कि अगर जो है कि वो दर्द जो आपका पैर में जो है कि जो कटा दर्द ही ना हो, आपको जो पता ही नहीं चले, तो क्या जो है कि आप जा करके दवाई लेंगे? तो आपका बॉडी क्या करता है, अलार्म जनरेट करता है। जब भी आपको कोई समस्या होती है तो बॉडी अलार्म करती है, दर्द या तो दर्द के रूप में या जो कोई जैसे गुरा हो जाता है, ठीक, किसी को गुरा होता है तो दर्द करता है, तब जाकर के आपको पता चलता है, बॉडी अलार्म करता है दर्द के रूप में, आपको जो है कि फोड़ा फुंसी दिखाता है दर्द के रूप में। तो इसके लिए जो क्या होता है कि आप जो है कि क्या करते हैं, जाकर के उसको इलाज करवाते हैं, उसका जो दवाई लेते हैं, तब जाकर के आपकी जो है कि ये समस्या जो ठीक होती है। उसी प्रकार से इसको समझिए कि आपका माइंड, आपके माइंड में कुछ जो है कि समस्या आ गई है, जिसके कारण से क्या होता है कि माइंड आपको अलार्म कर रही है कि जो सही चीज है उसमें भी आपको गलत दिखाने का प्रयास कर रही है। और जो है कि यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंड जो है कि आपको अलार्म कर रही है, लेकिन आप क्या करते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, डॉक्टर को दिखाते नहीं है, डॉक्टर को जो है कि डॉक्टर सलाह नहीं लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते नहीं, सोचते हैं कि माइंड में आ रहा है ये चीज ठीक हो जाएगा। तो ये ओसीडी भी आपको अलार्म कर रही है कि आपके आपके माइंड में कुछ टिश्यू में कुछ सेल्स में जो है कि आपके साथ समस्या चल रही है। ये जो है कि आपके न्यूरो पैटर्न में जो है कि आपका कॉग्निटिव पार्ट में जो है कि कहीं ना कहीं समस्या आ गई है। तो आप लोग उस पे जो है कि ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग सोच लेते हैं कि ये विचार क्यों आ रहा है। भाई सिम्टम वो जनरेट कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि ये जो माइंड में विचार जो आ रहे हैं ना आपको, इसका जो इलाज करवाने के लिए कि ये इस वजह से केमिकल जो है कि सेरोटोनिन केमिकल कम हो रही है, और जो है कि इसके बारे में इस चीज़ का जो प्रॉपर जो है कि चाहे जो साइकेडेटिक से या जो कोई काउंसलर से मिल करके ये जो सलाह लेना चाहिए, तब जाकर के आपका ये बीमारी दूर होगा ना। ये कि अपने मन में ये निगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, जैसे डाउट आता है हाथ धोने वाले में, अब वो कह रहा है कि ओसीडी आपको क्या करवा रहा है कि बार बार हाथ धोवो, जाकर के लोग जो है कि बाथरूम में आधा घंटा तक 15-20 मिनट तक हाथ धोते रहते हैं, साफ सुथरा करते रहते हैं, गंदगी वाले में कहीं जो है कि कहीं कहीं गंदगी तो लगी तो नहीं रह गई, लगी रह गई तो अब फैल जाएगी सब जगह, अब नुकसान हो जाएगा। इसके वजह से क्या करते हैं आप जो है कि मतलब अपना टाइम जो है घंटों घंटों भर टाइम आप बर्बाद कर रहे होते हैं दोस्तों। ये बॉडी क्या कर रही है, माइंड आपको अलार्म दे रही है कि आपके माइंड में समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है, ओसीडी नामक बीमारी है, इसका इलाज लेना चाहिए, तब जाकर के आप ठीक होंगे। तो ये चीज जो है समझने का प्रयास कीजिए, जब भी आपको जो है कि जब भी आपको कोई भी बॉडी कोई भी चीज आपको बॉडी में समस्या आती है तो बॉडी अलार्म करती है आपको, उसी तरह यहाँ भी माइंड आपको अलार्म कर रही है कि आपके माइंड में समस्या आ रही है। आप जाकर के कोई कोई सालों भर मतलब टालते रहते हैं बात को, मतलब कि समझते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप आपका पैर कट जाता है या पैर में कहीं जख्म आ जाता है तो क्या आपको आप जो है कि वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है कि जाते हैं उसके पास दवाई लेने के लिए, दवाई लगाने के लिए। वहाँ भी जब जब आपका अगर पैर में कुछ होता है तो वहाँ पर भी सुई लगती है या जो है कि उसमें भी कष्ट होता है, तब जा करके आप ठीक होते हैं। यहाँ भी ओसीडी में जो है कि आपको अगर ठीक करना हो तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, तब जा करके आपकी ठीक होगी ना। तो इस चीज़ को जो है कि आपको समझना है कि ये जो विचार जो आ रहे हैं, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ जो है कि आपके अंदर जो है कि विचार चल रहे, निगेटिव विचार चल रहे, वो कहीं ना कहीं जो कुछ माइंड के अंदर इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो कि बैलेंस में नहीं है, जिसके कारण से हो रहे हैं। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जो है किसी को बुखार हो जाता है, देखिए हम एग्जाम्पल से लेट करवाते हैं कि आपको समझना पड़ेगा, किसी को बुखार हो जाता है वो कहते हैं कि और ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सा बुखार, और ज़्यादा बुखार पड़ जाता है तब जा करके वो दवाई लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखे होंगे कि वो टालते रहते हैं, कि टालते रहते हैं, जब बाद में जाके दवाई लेते हैं।
उसका जो और जख्म बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है कि हम आपसे ये चीज जो है कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है कि आप ओसीडी में भी टालते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, बाद में जब अपने आप ये चीज जो है कि समझने का प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं डॉट को जो है कि बार बार जो है कि डॉट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। जितना आप डॉट को प्रयास के ठीक करने का प्रयास करते हैं कि जैसे गंदगी वाले में चलो हाथ धो लेंगे कुछ नहीं होगा, जब डॉट को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो आप जो और डॉट बढ़ते चले जाता है आपका। देखो ओसीडी में तीन चीज होता है जिसको कि डॉट डर कंपल्सन, कोई चीज से डॉट हुआ डॉट और डर एक साथ रहता है। जैसे हाथ धोने वाले में कि हाथ धोने वाले में ये गंदगी लगी हुई साफ नहीं हुई, ये डॉट हुआ, उसके उसके अनुसार से डर आ रहा है कि जो है कि हाथ जो है कि अगर नहीं धोए तो हर एक जगह गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये डर हुआ। फिर उसके बाद कंपल्सन करते हैं, बार बार हाथ धो रहे होते हैं, बार बार साफ सफाई कर रहे होते हैं, बार बार जो नहा रहे होते हैं, ये समस्या जो है कि ओसीडी में आपको करवा रही होती है। आप डॉट को जो है कि ठीक करने का प्रयास करते हैं कि हाथ धो लेंगे तो फिर जो है बढ़ जाएगा, हाथ धो लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो है कि इलाज लेना पड़ता है। यहाँ पर जो है कि आपको ये जो सिस्टम जो जनरेट हो रहे हैं, जो माइंड के अंदर जो वो चल रहे हैं केमिकल इम्बैलेंस के कारण से, और जो है कि वो बनना बंद धीरे धीरे कम हो गया जिसके कारण से आपको ये समस्या जनरेट हो रही है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए आज जो ये वीडियो जो है हम समझ के ऊपर बनाए हुए कि समझिए कि जब भी आपके बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो बॉडी अलार्म करना चालू करती है। जब आप अलार्म की जगह पे जो है कि जाके इलाज करवाते हैं तो आपकी बॉडी जो है कि फिर से बैलेंस रूप में आती है, तब जा कर के ठीक हो जाती है। तो यही चीज़ है जो समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी जो समस्याएँ आ रही, उसी तरह से रिलीजियस ओसीडी में भी क्या होता है, माइंड जो है कि वहाँ पर जाते हैं गॉड के पास तो बार बार जो है कि माइंड अलार्म देता है कि नेगेटिव विचार में लगता है, भगवान सजा दे देंगे, भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान जो है कि वहाँ भी डाउट आता है गॉड के प्रति, और डाउट की वजह से आपको डर लगने लगता है कि नुकसान तो नहीं कर देंगे, कुछ विचार आ गया डॉट की पूजा नहीं किया, मन्नत नहीं चढ़ाया, तो फिर आपका जो है कि यहाँ मन में डर लगने लगता है नुकसान कर देंगे या जो भी बुरा कर देंगे। फिर इसकी वजह से आप कंपल्सन क्या करते हैं, बार बार प्रणाम करने लगते हैं। अब बार बार प्रणाम करते करते फिर से नया डाउट आ जाता है कि अरे एक बार और प्रणाम कर लेते हैं, नहीं प्रणाम की इसके वजह से ये कर देंगे भगवान। अब इसके वजह से फिर कंपल्सन आपका बढ़, जितना आप बार बार प्रणाम करते चले जाते हैं उतना आपका ओसीडी बढ़ते चले जाता है। यहाँ क्या डर को ठीक करना होता है, ओसीडी में जो डर आपका चलता है उस डर को ठीक करना होता है। ओसीडी आपके तरफ से एक जो है कि अलार्म आपको जनरेट कर रही है कि ये निगेटिव विचार आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, इसका आपको जो है कि समाधान करना चाहिए। जो है कि जो कि सच नहीं है वो आपको जो सच दिखा रहा है, तो वो चीज़ जो है कि आपको ओसीडी अलार्म जनरेट कर रही है। तो यहाँ समझिए कि ओसीडी आपको एक तरह से जो मान लीजिए हेल्प कर रही है या आपको अलार्म जनरेट कर रही है कि आप जो है कि जल्दी से सुरक्षित हो जाएं, नहीं तो और ये तो कह रही है कि आप इलाज करवाइए हम भाग जाएंगे, ऐसा जो कि आप इसको समझिए दोस्तों, ये समझना बहुत ही जरूरी है आपको, तब जा करके जो है कि लोग के पास जाएंगे तो लोग तो अनेकों बहना आपको बनाएंगे, उसको पता ही नहीं इस बीमारी के बारे में ना, वो कहेंगे ओझा करवा लीजिए, जाके माता जी के पास चले जाइए, पूजा करवा लीजिए, ये सब करवा लीजिए, आपको बोलेंगे लोग सब, लोग को पता ही नहीं, लोग को कुछ चढ़ गया है शरीर पर या जो है कि कुछ हो गया है इस क्योंकि उसके बारे इस बारे के बारे में इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है ना, उसको पता होगा तब तो आपको जो है सही राय देंगे ना। अब जाए मान लेते हैं आपको जो है क्रिकेट खेलना है, आप चले जाएंगे अमिताभ बच्चन के पास जो सलाह लेने के लिए, तो क्या आपको सलाह देंगे, वो कुछ भी सलाह वो अच्छी सलाह दे ही नहीं पाएंगे ना, वो तो उसे जाएंगे हीरो के बारे में पूछने, हीरो कैसे बना जाता वो अच्छे से बता सकते हैं आपको। तो इसीलिए जो जिस बीमारी के बारे में जानते हैं उससे पूछेगा तब तो वो आपको सही जानकारी देंगे ना। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो है कि जिसके पास जिसके बारे में इसके बारे में जो इससे गुजरे हुए हैं जिसको इसके बारे में पता है उससे आप काउंसलिंग लीजिए, उससे जो सलाह लीजिए जो है कि आप जिससे कि बाहर निकल सकते हैं इससे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो हम सिर्फ इसी के बारे में बनाए हुए थे कि आप समझ के ऊपर काम करिए कि जैसे कि बॉडी अलार्म जनरेट करती है उसी तरह से माइंड में भी आपके ओसीडी जो है अलार्म जनरेट आपको करती है कि हाँ निगेटिव विचार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है कि समस्याएं चल रही है जिसके कारण से हो रही है। तो आप इसे आज जो इसका समाधान और भी आसान हो गया, पहले इसका समाधान था ही नहीं, उतना था ही नहीं, जो एक साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करने के बाद इसका समाधान साइकेट्रिस्ट पास काउंसलर के पास
जो है कि बहुत लोग दवाई भी लेते हैं, जिसका कि बहुत लोग दवाई भी लेते हैं, कोई लोग काउंसलिंग भी लेते हैं। तो ज़्यादा ये माइंड जिम जो ये काउंसलिंग के थ्रू और कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट या प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिससे का कोई नुकसान नहीं होता है, उससे जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये आप किसी से काउंसलर, कोई भी काउंसलर से लेकर के आप इससे ठीक हो सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, समझे होंगे कि बॉडी हमारा कैसे अलार्म जनरेट करती है। और अगर आप हमसे अगर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नीचे में नंबर दिया गया, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।